नमस्कार दर्शकों, मैं शिवानी न्यूज 10 इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। देश में कोरोना के 24 घंटों में 1.66 लाख नए केस आए हैं, वहीं 20 दिन बाद 2 लाख केसेस कम हुए हैं। 1192 मौतें हुई हैं, वहीं पॉजिटिविटी रेट 4.08% घटा। दक्षिण अफ्रीका में कोविड का अजीब केस देखने को मिला। HIV मरीज 9 महीने कोरोना संक्रमित रही, शरीर में वायरस के 21 म्यूटेशंस हुए। 80 से ज्यादा ब्राह्मण संगठन सपा को देंगे समर्थन। विनय शंकर तिवारी का चेहरा आगे कर पूर्वांचल को साधने की कोशिश, 15 जिलों में पड़ सकता है असर। यूपी की राजनीति इस बार पिछड़ा वर्ग और सामान्य में ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है। 12 से 14% ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए सभी दल अपनी अपनी तरफ से दांव चल रहे हैं। बाहुबली के बेटे ने दी योगी को चुनौती। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय बोले कि बीजेपी की जेब में संवैधानिक संस्थाएं, फिर भी गोरखपुर में हारेंगे योगी। कृति ने मुलायम सिंह के पैरों की धूल माथे से लगाई। संसद भवन के बाहर छुए नेताजी के पैर, दिल्ली से यूपी में यादवों को संदेश देने की कोशिश। संसद में शीतकालीन बजट सत्र का आज पहला दिन है। इस बीच एक मुलायम शिष्टाचार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चर्चा में ला दिया है। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव संसद भवन से बाहर आ रहे थे, तभी उधर से स्मृति ईरानी भी गुजर रही थी। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, स्मृति ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। निर्मला सीतारमण की बजट टीम में शामिल है 5 एक्सपर्ट, इसके पास अर्थव्यवस्था को नहीं राह देने की जिम्मेदारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी कि 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार आम बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह अकेली ऐसी महिला वित्त मंत्री जाएंगी जिनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना महामारी से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को नई राह मिलेगी। वित्त मंत्री के साथ उनके टीम में शामिल एक्सपर्ट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करते हैं। हाल ही में बजट 2022 में सीतारमण की स्पीच शुरू हो गई है। मिडिल क्लास को टैक्स राहत का इंतजार, किसानों की आय दोगुनी करने की डेडलाइन का अंतिम बजट। निफ्टी और सेंसेक्स के पॉइंट्स में बड़ा बदलाव। सेंसेक्स 850 और निफ्टी 200 से ज्यादा पॉइंट उछला। निवेशकों ने पहले मिनट में कमाए 2.5 लाख करोड़ रुपए। बजट से पहले शेयर बाजार जोरदार तेजी से साथ खुले हैं। मंगलवार को पहली कारोबारी घंटे में सेंसेक्स 850 और निफ्टी 200 से ज्यादा अंक उछल गया है। सेंसेक्स की शुरुआत 650 अंकों की बढ़त के साथ हुई। इससे पहले मिनट में ही निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई कर ली। रणजी सीरीज के लिए शेड्यूल जारी हुआ, पहला चरण 16 से 5 मार्च तक होगा। 8 शहरों में खेले जा सकते हैं लीग के मैचेस। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रणजी ट्रॉफी की लीग स्टेज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी जगह फाइनल नहीं की गई, रणजी ट्रॉफी की लीग स्टेज 16 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर है कि दर्शकों के बीच होगा भारत वेस्ट इंडीज का मुकाबला। बंगाल सरकार ने 75% दर्शकों की इजाजत दी। कोलकाता में 50,000 लोग देख सकेंगे T20 मैच। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। फॉलो कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।